देश के अलग अलग राज्य कैसे कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं और इस काम में किस तरह की चुनौतियां और मुश्किलें आ रही हैं, ये आज तक के ई एजेंडा के जरिए पूरे देश ने देखा। सोशल डिस्टेंसिंग हो या टेस्टिंग, मजदूरों की घर वापसी हो, तबलीगी जमात से संक्रमण फैलने का मुद्दा हो या लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति तैयारी, देश के 16 मुख्यमंत्रियों ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। पूरे दिन चले इस सबसे बड़े डिजिटल कॉन्क्लेव में तमाम मुख्यमंत्रियों ने सबसे ज्यादा फोकस 3 मुद्दों पर रखा। पहला था लॉकडाउन के पालन और संक्रमण को रोकने से जुड़ी रणनीति और इससे जुड़ी राजनीति। दूसरा था संक्रमण फैलने के तमाम कारण और तबलीगी जमात की संक्रमण फैलने में भूमिका। और तीसरा मुद्दा था मजदूरों की घर वापसी और उनकी आर्थिक सुरक्षा। सबसे पहले यह देखें कि लॉकडाउन को लेकर आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बातें क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांग की है कि केंद्र पूरी दिल्ली को रेड जोन में नहीं रखे, जिस इलाके में मरीज मिले सिर्फ उसे ही सील करे, दूसरी जगहों को नहीं सील किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नांदेड़ मामले में जानकारी महाराष्ट्र ने छिपाई है, ये बहुत ही संगीन आरोप है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक हफ्ते में कोरोना टेस्टिंग में वो नंबर 1 होंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के हालात को लेकर सफाई दी है और अपना प्लान बताया है। कुछ मुख्यमंत्री इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अब तो कोरोना के साथ ही जिंदगी जीना सीखना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूँ कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। इस वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो अभी कल ऑर्डर आया है, इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 केस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गाँव हैं, एक गाँव के अंदर 40 केस आ गए, अब बाकी सारे गाँव को रेड क्यों कर दिया हम लोगों ने? उनकी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उनकी तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। अगर हम जहां पे वो गांव था उस गांव को ही अगर हम सील कर देते, जैसे आज हमारी एक बिल्डिंग में कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं, उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं ना, उस बेसिस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने का मुझे लगता है कि वो निर्णय थोड़ा सही नहीं है, जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। हरियाणा को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, अपने हैदराबाद को, और हम पंजाब के या हिमाचल, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ इसको लड़ाई बनाएंगे, तब ये बनेगी बात। कोरोना से जुड़े हुए जो मामले आ रहे हैं, हमारे पास लगभग 75 से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और इसके लिए हमारी पूरी निर्भरता टेस्ट पर निर्भर करती है। अगर हमने जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट हैं या फिर जहां भी कोई संदिग्ध है, समय से उनका टेस्ट करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में और फिर उसके बाद आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम इसको स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां पहले जो कोरोना के से जुड़े हुए मामले थे उसकी टेस्टिंग की केवल 50 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे, और आज हमारे पास यह संख्या लगभग 5000 प्रतिदिन की हो चुकी है और हम इसकी संख्या को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला राज्य पहला यूपी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक, आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार होगी चाहे उत्तराखंड की सरकार होगी। गंगा निश्चित रूप से निर्मल होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और
उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। तमाम जो इस तरह के नाले थे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था जो गंगा जी में जाता था, आज तमाम नाले टेप किए गए हैं और जो टेप नहीं हुए हैं उनको टेप करने की प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित रूप से गंगा निर्मल होगी और अविरल भी होगी। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे, और इसलिए आते ही 10 बजे सबसे पहले मैंने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पहली बैठक का आयोजन किया। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, वैश्विक बीमारी है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ना कोई सिस्टम बनाया था, ना कोई व्यवस्थाएं की थी। यहाँ तक कि टेस्टिंग लैब केवल एक थी जिसमें 7 टेस्ट होते थे। हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई, वो सरकार तो आईफा के आयोजन की तैयारियों में जरूर लगी रही थी, उनने कोई व्यवस्थाएं की नहीं थी। देखिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, जिस क्षण तक वो पद पर है अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। और उस वक्त में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ था। मैं अपना स्टेट का भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना वायरस पहुंचने से पहले हमारा यहाँ पे राज्य में एक वेंटिलेटर तक नहीं था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सेट पार्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अभी तक हमने उसके बाद में पूरा 10 वेंटिलेटर रेडी कर दिया है। अनदर 5 डिस्ट्रिक्ट में भी वेंटिलेटर हम लोग अभी 1-2 हफ्ता में रेडी हो जाएगा और 50 वेंटिलेटर और अभी 15 दिन में लग जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करता तो देखिए हर एक राज्य में उतना वेंटिलेटर्स शायद मुश्किल ही था। और आज देखिए सब राज्य के पास में कैपेबिलिटी आ गया है वेंटिलेटर्स का। तो सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे केंद्र सरकार ने जहां ग्रीन जोन कहा है, ग्रीन जोन में सारी एक्टिविटीज इन लोगों ने खोल दी है और लगभग अब जिस तरीके से अब हमारे मजदूर आएंगे, हो सकता है कोई संक्रमित होकर आएंगे तो वो अब ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि चुनौती हमारी अब मजदूर आने के बाद होगी।